Good morning, dear student. I am your Hindi teacher. And dear student, in today third class we study our Hindi book, that is Akriti. And let's start our chapter. Dear student, आज का हमारा fourth chapter क्या है? बैल की अक्ल. ये हमारा fourth chapter रहेगा. जैसे कि आपको इस drawing में दिख रहा है, इसमें क्या है? इसमें दिया गया है, यानी बैल की अक्ल के बारे में बात की गई. बैल में अक्ल होती है, बैल यानी जानवर होता है जो किसका अपोजिट होता है, जो गाय का अपोजिट होता है. गाय का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? बैल. तो उसकी अक्ल के बारे में आज बात की गई है. तो देखिए, पंडित भट्टाचार्य सीधे सादे भले शिष्ट सौम्य किस्म के आदमी थे. उनके घर सरसों के तेल की जरूरत आन पड़ी है, इसलिए वे तेल खरीदने कोल्हू पर आए हैं. अब यहाँ देखिए, कौन है ये? पंडित भट्टाचार्य हैं. अब इनके घर में क्या है? ये वैसे बहुत अच्छा इंसान है, यानी सीधे साधे हैं, भले हैं, शिष्टाचार से बात करने वाले हैं, अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हैं. एक दिन क्या हुआ, इनके घर में तेल की, सरसों के तेल की जरूरत पड़ी, इसलिए वो कहाँ गए थे? वो सरसों का तेल खरीदने के लिए कोल्हू पर गए थे. यानी कि कोल्हू एक ऐसी जगह होती है जहाँ बैल से तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, उसको कोल्हू कहा जाता है. देखिए, कोल्हू वाले के घर पर बड़ी सी घानी है. एक बैल उसे घुमा रहा है, उसके गले में एक घंटी लटक रही है. बैल चलता जाता है और घानी भी उसके संग घूमती रहती है और सरसों से तेल पीरता रहता है. बैल के गले की घंटी टोंग टंग टोंग करती रहती. अब जब भट्टाचार्य जी को तेल की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ गए? कोल्हू वाले के पास. कोल्हू वाले के घर पे क्या थी? बड़ी सी घानी थी. घानी में क्या होता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? घानी है. ये क्या करता है, वहाँ जाता है तो उसने क्या देखा कि जो बैल होता है वो क्या करता है, वो बैल उसको घानी को घुमा रहा है. और जब बैल चलता है तो उसके साथ साथ में घानी भी घूमती है. अब घानी घूमती है तो उसे तेल फिरता है, यानी तेल निकलता रहता, तेल निकलता है. और बैल के गले में क्या बंधी हुई है? घंटी बंधी हुई. तो बैल क्या करता है, जब चलता है तो उस घंटी की आवाज़ आती है. पंडित रोज आते और यह देखते, पर आज उनको अचानक गहरा आश्चर्य हुआ. वे आंखें फाड़े देखते रह गए. वाकई यह तो कमाल की चीज है. कोल्हू वाले से पूछा, अरे ओ लड़के, वो चीज़ है क्या? फिर जब पंडित जी रोज वहाँ आते घानी पे और रोज देखते कि यहाँ तो घानी से बैल के द्वारा, कोल्हू के बैल के द्वारा तेल निकाला जाता है, लेकिन आज उनको कुछ अजीब लगा तो उनको आश्चर्य हुआ और उस चीज़ को वो आंखें फाड़े जा रहे थे. आंखें फाड़े यानी आंखें निकाल के, आंखें बड़ी करके देखी जा रहे थे और सोच रहे थे वाकई ये क्या चीज़ है. और फिर कोल्हू वाले से, यानी जो तेल निकालने वाला बच्चा था, जो उस बैल से तेल निकलवा रहा था, उससे पूछ लिया कि ये क्या चीज़ है. लड़के ने कहा, वो तो घानी का पेड़ है, उसी से तो तेल निकलता है. फिर लड़के ने कहा कि ये तो क्या है, ये घानी का पेड़ है और उसी से क्या निकलता है, तेल निकलता है. पंडित ने सोचा, यह भी कोई बात हुई, आम के पेड़ में आम होता है, जामुन के पेड़ में जामुन, और घानी के पेड़ में भला तेल क्यों? अब पंडित जी ने सोचा, भी ये कोई बात होती है क्या, जैसे आम का पेड़ होता है तो वहाँ आम लगता है, जामुन के पेड़ में जामुन लगता है, लेकिन ये घानी का जब पेड़ है तो वहाँ घानी लगनी चाहिए ना कि तेल, तो घानी के पेड़ में तेल कैसे लग सकता है? उन्होंने कोल्हू वाले से फिर पूछा, घानी का कोई फल तो होता होगा? कोल्हू वाले ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? फिर जब पंडित जी के दिमाग में ये सवाल पहुंचा कि आम के पेड़ पे आम होते हैं, जामुन के पेड़ पे जामुन, और लेकिन घानी के पेड़ पे घानी ना होके क्या होता, तेल लगता है, तो उसने कोल्हू वाले से वापस से पूछा कि घानी तेल तो लगता है लेकिन घानी का भी कोई फल तो होता होगा. ये देख के कोल्हू वाले को भी आश्चर्य हुआ, तो उसने पूछा, मतलब क्या, यानी आप क्या पूछना चाहते हो? आगे देखिए, पंडित चोटी को सहलाते हुए सोचने लगे कि शायद उनका सवाल ठीक नहीं था, लेकिन इसमें क्या झोल है ये भी वो समझ न पाए. थोड़ी देर चुप रहकर बोले, तेल कैसा होता है? अब पंडित जी ने क्या किया, प्रश्न पूछा, तो प्रश्न का जवाब उसने जवाब ना देके उसने क्या कहा, मतलब क्या है, आप अपना जो प्रश्न है वो अच्छे से पूछो. ये बात सुन के पंडित जी अपनी चोटी पे हाथ फिराने लगे, अपनी चोटी को घुमाने लग गए, और उनको लगा कि शायद उन्होंने कुछ सवाल सही नहीं पूछा, उनका सवाल सही नहीं है, तभी तो मुझे मतलब पूछ रहे, वरना तो मेरे सवाल का जवाब ही दे देते. तो उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कोई झोल है, यानी कि कुछ गड़बड़ी है, और वो समझ नहीं पाए, लेकिन थोड़ी देर चुप रह के सोचा कि इसको समझ में आ जाएगा, इसलिए चुप रहे. फिर बाद में पूछा कि तेल कैसा होता है? देखिए, कोल्हू वाले ने कहा, वहाँ सरसों के बीज रखते हैं, सरसों के बीज पर दबाव पड़ता है तो उससे तेल निकलता है.
तो उसने क्या कहा घानी वाले ने कि यहाँ कुछ यानी कि जो उसकी ये उखल दिखाई दे रही है इसके अंदर क्या होता है बीज होते हैं और ऊपर से इस घानी को दबाते हैं तो क्या निकलता तेल निकलता है सरसों के बीजों से तेल निकलता है। पंडित यह सुनकर बहुत खुश हुए, सिर हिलाते डुलाते हुए चोटी को नाचते हुए खुशी से बोले अच्छा अब तो समझा तेल पीसने का यंत्र। और जब उसने बता दिया कि किस प्रकार से तेल निकाला जाता है तो ये सुन के पंडित काफ़ी खुश हुआ और बोला कि हाँ अब तो मेरे समझ में आ गया कि घानी क्या होता है, घानी एक तेल पीसने का यंत्र होता है। कोल्हू वाले से तेल लेकर पंडित अभी घर लौटने ही वाले थे कि उनके मन में एक और सवाल आदम का, बेल के गले में घंटी क्यों डाली है। अब जैसे वो घर जाने ही वाले थे कि उनके दिमाग में एक सवाल और आ गया कि बेल के गले में घंटी क्यों है। उन्होंने पुकारा ओ कोल्हू वाले के लड़के, वो तो समझ गया पर ये बेल के गले में घंटी लटकाने का क्या मतलब है। और फिर उसने कोल्हू वाले से वापस पूछा कि ओ कोल्हू वाले के लड़के, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि सरसों के बीजों से तेल निकलता है इसलिए इस घानी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस जो बैल के गले में घंटी क्यों बांध रखी है, इस घंटी को बांधने से क्या मतलब है, क्या उससे भी तेल निकालने में कोई मदद मिलती है। उसने कहा, फिर पंडित जी ने कहा कि तुम्हें इस बैल के गले की घंटी से क्या तेल निकलता है, क्या तेल निकालने में कोई मदद मिलती है। उसने कहा, हर वक्त तो बैल पर नजर नहीं रख सकते ना, इसलिए उसके गले में घंटी बांध के रखी है, जब तक घंटी बजती रहती है तो समझ जाते हैं कि बैल चल रहा है, जैसे बैल रुकता है कि घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो फिर उसे फिर से दौड़ाने के लिए मैं आ जाता हूँ। फिर जब पंडित जी ने पूछा है कि इसके गले में घंटी क्यों बांधी हुई है तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि जब तक ये बैल चलता है तब तक इसकी घंटी बजती रहती है और मुझे ये लगता है कि हाँ ये चल रहा है, घंटी में से तेल पीसा जा रहा है, लेकिन जब जैसे ये रुक जाता है तो घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है तो मुझे भी समझ में आ जाता है कि अभी ये चल नहीं रहा, तो इसको मैं वापस से चलाने के लिए या दौड़ाने के लिए आ जाता हूँ। पंडित ने ऐसी अद्भुत करामात और कहीं देखी नहीं थी, घर जाते जाते वह बस इसी बात को सोचते जा रहे थे। कोल्हू वाले ने भी क्या तरकीब निकाली, उस बेचारे बैल की तो खैर नहीं, जैसे ही वह रुकेगा कि घंटी बजना बंद हो जाएगी, और उसी वक्त कोल्हू वाले का लड़का उसे भगाने चला आया। अब पंडित जी जा रहे थे और जाते जाते इस बात को सोच सोच के ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ऐसी भी कोई करामात है, कलाकारी है उस लड़के ने लगा रखी इतनी अच्छी कलाकारी कि जैसे ही कोल्हू वाला बैल रुकता है तो रुकते ही वो घंटी रुक जाती है और घंटी रुकती है तो कोल्हू वाले का लड़का उसको चलाने के लिए आ जाता है। तो इसमें नुकसान किसका, इसमें बैल का नुकसान है, बैल की तो खैर ही नहीं, बैल को तो हर वक्त काम करना ही पड़ेगा। सोचते सोचते अचानक उन्हें सूझा, अच्छा अगर वो बैल एक ही जगह खड़ा रहकर सिर हिलाता रहे तो भी घंटी बजती रहेगी, फिर कोल्हू वाले के लड़कियों को कैसे पता चलेगा कि बैल चल रहा है कि खड़ा हो गया। अब फिर पंडित जी ने सोचा कि ये तो समझ में आ गया कि उसको दौड़ाने के लिए कोल्हू वाले का लड़का वापस आ जाएगा, लेकिन बैल अगर एक जगह खड़ा रह जाए और गले को हिलाता रहे, अपनी गर्दन को हिलाता रहे, गर्दन को हिलाएगा तो घंटी भी बजेगी, घंटी बजेगी तो उस कोल्हू वाले के लड़के को लगेगा कि अभी तो बैल चल रहा है, यदि ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। पंडित जी को भारी चिंता हुई, अगर वह बैल जरा चालाक किसी काम चोरी करे तो कोल्हू का कितना नुकसान हो जाएगा। यह सब सोचकर वापस कोल्हू वाले के यहाँ पहुँचे और बोले, अरे वो जो घंटी वाली बात तुम कह रहे थे ना उसमें तो बड़ी गलती है, अगर वह बैल काम चोरी करके घंटी बजाता रहे तो फिर क्या करोगे। अब पंडित जी को टेंशन होगी इस बात की कि यदि बैल ने ऐसा किया एक जगह खड़ा रह के और अपनी घंटी को बजाता रहेगा तो इस प्रकार से तो कोल्हू वाले का नुकसान हो जाएगा, वो तेल नहीं पीसेगा तो उसके धंधे में कमी आ जाएगी, नुकसान होगा। तो वापस उसी के पास पहुँचे और कहा कि यदि तुम्हारा बैल जो काम चोरी करे यानी काम की चोरी करे, काम ना करे तो क्या होगा, तुमने तो बड़ी गलती कर दी, वो तो अपनी काम चोरी दिखाने के लिए घंटी बजाता रहेगा तो तुम क्या करोगे फिर। कोल्हू वाला खिन्न होकर बोला, काम चोरी करके घंटी बजाना यानी, अब वापस उस कोल्हू वाले को समझ में नहीं आया, काम चोरी यानी काम से जी चुराना, तो कहा कि काम चोरी करके घंटी बजाना यानी घंटी जब बजाता है तो उसमें काम चोरी किस प्रकार से करेगा, मतलब पूछा। फिर उसने पंडित बोले, मान लो वह एक जगह खड़ा होकर ही घंटी बजाता रहे तो घंटी तो बजती रहेगी पर घानी चलेगी क्या, तब तुम क्या करोगे।
फिर उसने जब पूछा कि मतलब, तो पंडित जी ने उनको मतलब समझाया कि यदि तुम्हारा कोल्लू का बैल एक जगह खड़ा रहेगा और गर्दन हिला के घंटी बजाता रहेगा तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा कि घानी में तेल पिसा जा रहा है, लेकिन होगा क्या, तुम्हारी घानी में तेल नहीं पिसेगा। कोल्लू वाला उस समय तेल नाप रहा था और उसने मुड़कर पंडित की ओर देखा और बोला, मेरा बैल क्या शास्त्र पढ़कर पंडित बना है कि उसका इतना दिमाग होगा, ना तो वह आपके पाठशाला में गया है नहीं उसने शास्त्र पढ़ा है, और फिर बैल को इतनी अकल कहाँ होती है। फिर कोल्लू वाली की तरफ देख के उसको खीन यानी थोड़ा गुस्सा हो गया और वो बोला कि मेरे बैल को इतनी अकल थोड़ी है, मेरा बैल कौन सा शास्त्र पढ़ा हुआ, किताबें थोड़ी पढ़ी मेरे बैल ने जो उसको पता हो कि काम चोरी कैसे की जाती है, और अगर बैल में ही अकल होती तो वो बैल थोड़ी होता। पंडित ने सोचा कोल्लू वाला सच ही तो कह रहा है, उसे उस मूर्ख बैल ने तो कभी शास्त्र पढ़कर देखा ही नहीं, इसलिए उसे मूर्ख बैल की सारी चालाकी इसलिए उस मूर्ख बैल की सारी चालाकी खत्म। फिर पंडित जी को और ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि हाँ रे वो बैल तो क्या है शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ, शास्त्र नहीं पढ़ा तो उसको चालाकी यहाँ करने कैसे आएगी, और अब मूर्ख बैल की क्या सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। तो बच्चों यही आज आपका चैप्टर था। आज आपको अपनी नोटबुक में शब्दार देखे सभ्य सौम्य शाली यंत्र उपकरण नुकसान हानि चालाकी होशियारी ये शब्द जो है आपको अपनी शब्दार्थ के रूप में अपनी नोटबुक में करने हैं, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, और कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, और आपको होमवर्क जो अपनी नोटबुक में हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करना है। डियर स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।